सभापति एम वेंकैया नायडू की अपील के बाद मौजूदा सत्र के दौरान पहली बार सुचारू तरीके से राज्यसभा में चला शून्यकाल और प्रश्नकाल। सभापति ने की सदस्यों के सहयोग की सराहना। कावेरी नदी पर प्रस्तावित डैम को लेकर दोपहर 2 बजे के बाद जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी देंगे बयान। कार्यवाही बाधित करने वाले सांसदों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने आज भी की सख्त कार्रवाई। AIADMK और TDP के 19 सांसदों को लगातार 4 बैठकों के लिए किया गया निलंबित। कल भी AIADMK के 24 सांसदों पर हुई थी कार्रवाई। राफेल मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा आज भी रहेगी जारी। पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में अब से कुछ ही देर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस को करेंगे संबोधित। गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के मुद्दे पर सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यात्रा पर रोक लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पार्टी ने दी है चुनौती। शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने किया है इनकार। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा ने लगाया 18वां शतक। पहले दिन का खेल पूरा होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 303 रन। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया।